एमएस वर्ड की इस वीडियो में आज हम जानेंगे टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास काफ़ी सारे टेक्स्ट बॉक्स की प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाएगी। आपको जो टेम्पलेट्स ठीक लगे आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी वो टेक्स्ट बॉक्स की टेम्पलेट आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। तो जैसे कि देखिए, ये जो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की टेम्पलेट है मेरे पेज पे अप्लाई हो गई है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो अपना कस्टम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपके पास ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद आप इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिख दीजिए, जैसे कि माई टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, माई टेक्स्ट बॉक्स। अब देखिए, जब से ही आप अपना कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे आपके पास यहाँ पर शेप फॉर्मेट टैब आ जाता है। शेप फॉर्मेट टैब पे मैंने कम्प्लीटली एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख के आप शेप फॉर्मेट टैब के बारे में सीख जाओगे। इस टैब की मदद से आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आप शेप वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, मैं इसका कुछ स्टाइल वगैरह चेंज कर देता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड कलर। यहाँ से आप इसका देखिए फिल वगैरह चेंज कर सकते हो, आउटलाइन, और यहाँ पर आप इसका इफ़ेक्ट वगैरह, क्विक स्टाइल में जो भी आपने इसमें कंटेंट लिखा है उसका आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए उसका जो थीम कलर है, ठीक है, आउटलाइन, और यहाँ पर उसका जो फिल कलर है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो काफ़ी सारे इसमें अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको शेप फॉर्मेट टैब अगर नहीं आता तो इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को चेक कर लेना। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें बता देता हूँ जिससे कि आपको शेप फॉर्मेट टैब के बारे में पता चल जाए। तो यहाँ पर शेप फॉर्मेट टैब में जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए फिल कलर मैं इसका ब्लू दे देता हूँ, है ना। तो देखिए इस सबसे पहले मैं आप इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो देखिए ब्लू कलर दे दिया। यहाँ पर इसकी आउटलाइन अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, आउटलाइन देखिए मैं इसकी येलो दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप देखिए इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर टेक्स्ट की डायरेक्शन मिल जाती है, हॉरिजॉन्टली रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, अलाइन टेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए टॉप में आ रहा है, मिडल आ रहा है, बॉटम आ रहा है। इसके अलावा आप यहाँ से भी इसको सेंटर कर सकते हो, सेंटर कर लिया। इसके बाद शेप फॉर्मेट टैब में जाएंगे, अलाइन इसको मिडल कर देंगे, तो देखिए ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में आ रहा है। इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को टेक्स्ट के साथ एडजस्ट कर सकते हो, इसके बारे में भी कंप्लीट बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर रेंडम टेक्स्ट को इंसर्ट कर लीजिए, और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। अब आप चाहते हो कि इसको टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करना, तो सेव फॉर्मेट टैब पे जाइए, यहाँ पर देखिए पोजीशन दे दीजिए, ठीक है, तो जैसे आपको टेक्स्ट चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए रैप टेक्स्ट मिलता है, तो स्क्वायर, टाइट, अगर आप अपने टेक्स्ट को अपने टेक्स्ट बॉक्स को टेक्स्ट के पीछे रखना चाहते हो तो बिहाइंड द टेक्स्ट कर लीजिए, टेक्स्ट के ऊपर रखना चाहते हो तो फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए। एडिट रैप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पॉइंट्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के पॉइंट्स को एडिट कर सकते हो, यानी टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा शेप फॉर्मेट टैब होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कम्प्लीटली बता रखा है वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देख लेना जिससे कि आपको टेक्स्ट बॉक्स के बारे में समझ में आ जाएगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे तो देखिए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स तो है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पर सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी, इसको आप सेव कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए माई टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिए जो भी आप लिखना चाहो, तो यहाँ पर मैं इसका माई टेक्स्ट बॉक्स ही नाम देने दे रहा हूँ, और ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं जब जाऊँगा तो ये इस गैलरी में सेव हो गया होगा, देखिए माई टेक्स्ट बॉक्स। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना खुद का कस्टम टेक्स्ट बॉक्स भी बनाकर इन टेम्पलेट्स के साथ सेव कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी ले सकते हो कोई भी टेक्स्ट बॉक्स, या फिर आप यहाँ से प्री डिफाइंड जो टेम्पलेट मिल रही है यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताया, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।